अरे वाह रे वाह मेरे भाई मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की आन बान शान, तुमने आज फिर बचा ली इस बाबर की जान। वरना भाई बाबर क्या पूरे पाकिस्तान का ही लूट गया था आज तो जहान। अरे तुम्हारे बल्ले से ज्यादा तो तुम्हारे सीने में छुपा है तूफान। अरे भाई गिरते संभलते रहे, लेकिन बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अब्दुल्ला शफीक के साथ तुमने भी शतक ठोक के श्रीलंका वालों को बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। वरना भाई आज तो ऐसी हालत हो गई थी, हार जाते तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचने थे। अरे भाई वैसे तो हार ही गए थे, ये तो अब्दुल्ला शफीक और तुमने बचा लिया। एक तो 345 रन का टारगेट, ऊपर से हमारे 37 रन पर ही दो विकेट। भाई सही बताएं तो आज तुम लोगों ने साबित कर दिया, जब तक है टीम में मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता बड़े से बड़ा तूफान। अरे बाबर भाई क्या करें, जब बात देश पर आती है तो घायल शेर की तरह लड़ना पड़ता है। अरे पहले पूरे 50 ओवर विकेट कीपिंग करी, अरे फिर तुम लोग भी जल्दी ही पवेलियन लौट आए, हमें आराम करने का जरा सा भी समय नहीं मिला। भाई थकावट और दर्द तो बहुत था, लेकिन टीम की हालत देख के बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ना पड़ा। अरे अगर आज भी हार जाते तो लोग यही कहते, भाई बस कमजोर टीमों से ही जीतना जानती है पाकिस्तान, ढंग की टीम सामने आते ही निकल जाती है इसकी जान। भाई रिजवान के टीम में होते हुए ऐसा अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता पाकिस्तान, इसलिए हमने तो पूरी लगा दी अपनी जी जान, फतेह कर लिया मैदान। अरे पाकिस्तानियों भाई हमें तो अब तक यकीन ही ना हो रहा, तुम सच में जीत गए क्या? अरे हमने 122 रन की इतनी ताबड़तोड़ पारी खेली, फिर हमारे सदीरा ने भी शतक लगाया, स्कोर को 344 रन तक पहुंचाया। लेकिन भाई हमारी किस्मत देखो, इतना कुछ करने के बाद भी हम श्रीलंका वाले फिर हार गए। वैसे तो मेरे और सदीरा के अलावा हमारी टीम का कोई खिलाड़ी चला ही नहीं था, वरना ये स्कोर तो भाई 370 के आसपास बनना था, फिर तुम लोगों से भी ये मैच नहीं जीता जाना था। पिछले दो मैचों से ये कुशल मेंडिस इतनी लाजवाब पारी खेल रहा है, हर बार हमारी पारी पर पानी फिर जाता है और हमारी टीम हार जाती है। अरे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे मेंडिस भाई तुमने अच्छी पारी खेली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी तो बिल्कुल कहर ढाया है, और बिल्कुल अकेलों के दम पे दोनों ने मिलके पाकिस्तान को मैच जितवाया है। हमारे अब्दुल्ला शफीक ने तो 113 रन बनाए, लेकिन रिजवान साहब ने तो गेंद का बिल्कुल जहाज बना दिया। अरे गेंद बाउंड्री के अंदर कम बाहर ज्यादा रही। अरे क्यों भाई विराट कोहली, कैसी लगी हमारी तूफानी जीत? अरे बाबर भाई तुम तो रहने ही दो, प्रेशर में तुमसे खेला नहीं जाता। अरे लोग सही कहते हैं भाई, तुम तो बस नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही शतक ठोक सकते हो, जब जरूरत होती है वहाँ फुस कर जाते हो। ये तो भाई दांत देनी पड़ेगी तुम्हारे अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की, जिन्हें फिक्र थी अपने टीम और देश के सम्मान की। ये रिजवान तो भाई लड़खड़ाता रहा, दर्द से कहराता रहा, लेकिन चौके छक्के लगाता रहा। अरे शेर के बच्चे में बड़ा गजब का जज्बा है। अरे इतने बड़े स्कोर को हासिल करके तुमने साबित कर दिया भाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी कोई टीम है। वैसे इन श्रीलंका वालों ने तुम्हारे सभी गेंदबाजों का तो बिल्कुल धुआं निकाल के रख दिया था, बल्लेबाजी में इस रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के अलावा भी किसी से कुछ ना बना। लेकिन भाई जीत जीत होती है, कैसे भी आए